नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में एक मॉल की तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने वाली छात्रा की पहचान हो गई है। बताया जाता है कि यह छात्रा गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पीएसी में तैनात सब इंस्पेक्टर की बेटी थी। पुलिस को शक है कि व्हाट्सएप की एक फोटो इस खुदकुशी की वजह बनी है। बीबीए में पढ़ने वाली इस लड़की को एक लड़का लगातार परेशान कर रहा था। वो इसे लगातार फोन करता था और एक दिन लड़की के पिता ने फोन उठाया और लड़के को फटकार लगा दी, जिसके बाद लड़के ने लड़की के साथ अपना फोटो वायरल कर दिया। इससे परेशान होकर लड़की ने खुदकुशी कर ली, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और यह भी आशंका है कि लड़का एक तरफा प्यार में लड़की को परेशान कर रहा था। फिलहाल लड़की का जो सुइसाइड नोट बरामद हुआ है, उसमें लड़की ने लिखा है कि वो सिर्फ मदद के लिए लड़के से मिली थी। फिलहाल पुलिस लड़के की तलाश में जुट गई। मॉल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से खुदकुशी की है लड़की ने, और साथ ही वो तस्वीर जो कि उस लड़के ने वायरल कर दी। उसके बाद से ही बताया जा रहा है कि लड़की काफी परेशान थी और इस वजह से उसने खुदकुशी की। हम ठीक उसी जगह खड़े हैं, ठीक इसी क्रॉस रिवर मॉल में। लड़की ने लगभग 7:15 के करीब ऊपर थर्ड फ्लोर से, अगर आप लोग ऊपर देखे ठीक, थर्ड फ्लोर से लड़की ने पहले अपना बैग फेंका और बैग फेंकने के बाद वो खुद कूद गई। दरअसल पूरा का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि उसके पास एक सुसाइड नोट था, लेकिन अभी इस चीज को पुलिस कंफर्म नहीं कर रही है, दिखा नहीं रही है। और पूरा का पूरा मामला जो सामने आया है, कुछ लोगों ने भी बताया कि लड़की ने अपने माँ बाप से सुसाइड करने से पहले अपने माँ बाप से माफी भी मांगी, लेकिन जब लड़की यहाँ कूद गई तो उसे यहाँ के गार्ड्स तुरंत आनन फानन में हेडगेवार हॉस्पिटल ले गए। लेकिन वहां पर मौके पर हॉस्पिटल में जब उसका इलाज हो रहा था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।